सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त प्रदीप, एंड स्वागत करता हूँ प्रदीप री अपडेट पे। मुझे पता है और मैंने आपको कमेंट भी देखा है गाइस कि ये आपके दिमाग में चल रहा है कि पेपर जो चेक हो रहा है वो सिंपल चेक हो रहा है या हार्ड चेक हो रहा है। सर कैसा हो रहा है, एक एक हमारे पॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, कैसे हो रहा है गाइस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, बट मैं कितने दिन से देख रहा हूँ कि सॉम्प सेम कमेंट कितने सारे बच्चे कर रहे हैं और उसके नीचे बहुत सारा कमेंट कर रहे हैं कि सर प्लीज़ सर ये वाला वीडियो। तो आपकी मांग आपने बोला और आपके प्रदीप सर ने आपकी बात सुन ली। बट गाइस, अगर मेरा वीडियो पेरेंट्स भी देख रहे होंगे या कोई भी देख रहा हो, तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब जैसे ही ये मंथ एंड होगा वैसे ही रिजल्ट एक दिन दो दिन ऐसा चलता रहेगा, रिजल्ट आने वाला है। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे का रिजल्ट वैसे दे, देखो आप कंपैरिजन किस तरह से करना कि पहले बच्चे का रिजल्ट कैसा आता था, अगर इस साल 1% 2% 3% भी बढ़ाना तो सेटिस्फाई रहना और फुल कॉन्फिडेंट रहना और बच्चे से खुश रहना। मैं ये पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ और बच्चों को भी बोलना चाहता हूँ, फुल रहो क्योंकि 12th का आप कंपैरिजन सीईटी ये सब करके अच्छा करके अच्छा स्कोर कर सकते हो, बिल्कुल टेंशन मत लो। फिर भी गाइस मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ कि इस बार का पेपर जो चेकिंग होने वाला है वो सिंपल होने वाला है कि हार्ड होने वाला है। बट पेरेंट्स प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि बच्चों को कंपैरिजन करना कि 1% भी ज़्यादा रहना तो खुश हो जाना, बच्चों को प्यार और दुलार देना, क्योंकि पता है कि पिछले 2 साल से बच्चों की बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझे, राइटिंग स्पीड जो थी उनकी कम हो चुकी, बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ों पर बात हम फिर कभी करेंगे। तो अगर मैं बताऊँ आपको 19 मैं कंपैरिजन करता हूँ 19, 20, 21, 22 ओके 19 इस साल कोरोना था नहीं, 20 कोरोना स्टार्ट हो चुका था और इस साल ज्योग्राफी का एक पेपर कैंसिल हुआ था और बाकी सभी पेपर जो हुए थे वो ऑफलाइन हुए थे। ओके, जो बच्चे इस साल 12th में उनकी बात कर रहा हूँ, जो बच्चे 12th वालों का तो पूरा हो चुका था, बट जो बच्चे उस साल 10th में थे उनका एक पेपर कैंसिल हो चुका था जो ज्योग्राफी था, और वही बच्चे इस साल 12th का एग्जाम दिए। देन 21 में तो कोई एग्जाम ही नहीं हुआ, उनको रिजल्ट डायरेक्टली डिक्लेयर किया गया। 22 जो इस साल बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया है, सबसे बड़ी बात ये जो 20 में जिन बच्चों का ज्योग्राफी का पेपर कैंसिल हुआ था वही बच्चे इस साल 22 में एग्ज़ाम दे रहे हैं। ओके, अब गाइस अगर हम कंपैरिजन करते हैं 19, 18, 17 सबसे कंपैरिजन करते हैं, तो 20 का जो रिजल्ट था जिस साल कोरोना स्टार्ट हुआ था उस साल का रिजल्ट सबसे अच्छा रिजल्ट था और बहुत अच्छा, मतलब बहुत लोगों को 90% मिला था, मतलब एवरेज परसेंट से भी ज़्यादा था। तो हम अगर यहाँ ऑब्जर्व करते कि कोरोना से पहले का रिजल्ट उतने पर अचानक में, क्योंकि मैंने इसमें वीडियो बनाया आप जाके चेक करोगे तो मैंने परसेंटेज डिफरेंस भी दिखाया, बहुत ज़्यादा परसेंटेज डिफरेंस था। इससे हमें पता चला कि इस साल पेपर चेकिंग क्या की गई थी, सिंपल की गई थी, क्योंकि उस साल कोरोना स्टार्ट हुआ था, बच्चे डिप्रेशन में, मतलब कोरोना का माहौल चल ही रहा था और उसमें ही बच्चे एग्जाम देने जा रहे थे। तो अगर मैं 22 की बात करूँ तो गाइस टोटल बच्चे, अब 2 साल कोरोना में रहे और इस साल देने जा रहे, तो बच्चे तो और टेंशन, उस साल के कंपैरिजन में तो बच्चे तो इस साल और टेंशन में थे क्योंकि उनकी राइटिंग स्पीड इस साल कम हो चुकी थी, क्योंकि इतने घंटों का उनको पेपर लिखना था, ये करना था, तो बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम। तो ये सभी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन किया जा रहा होगा। हाँ, मैं ऑफिशियली नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा, बट ये सभी पे अगर आपका कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा, ये होगा, तो उन चीज़ों को निगलेक्ट करके आपको मार्क्स दिया जाएगा, इस टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम ये सभी चीज़ों का आकलन करें तो इस बार का पेपर भी हार्ड चेक नहीं होने वाला, सिंपल ही चेक होने वाला, इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप आगे वाली चीज़ों पे फोकस करो गाइस, मैंने बताया आपको अगर वो देखना है परसेंटेज डिफरेंस आप चेक करो, नीचे प्रदीप गिरी अपडेट पे मैंने डाला हुआ डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। तो 18, 17 ये सब देखोगे और उसके कंपैरिजन में 20 का बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया था, 20 का जिस साल, मैं 21 की बात नहीं कर रहा हूँ, 21 की इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि उस साल तो एग्जाम हुआ ही नहीं, मैं 20 की बात कर रहा हूँ जिस साल एग्जाम ऑफलाइन मोड में हुआ था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 22 का भी जो होगा वो पेपर इतना हार्ड चेक नहीं होगा, सिंपल ही चेक होगा गाइस। ओके, और दूसरी बात गाइस, जैसे मैंने बताया कि आपका परसेंट अगर 2% भी ज़्यादा बढ़ता है फिर भी खुश रहो, कोई टेंशन, 10th में हो तो 11th का तो कोई टेंशन ही नहीं है, एडमिशन सभी को मिलता है। हाँ, 12th वाले बच्चों को बाकी चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा गाइस, अच्छे अच्छे कॉलेज पाने के लिए, उससे रिलेटेड वीडियो जरूर मैं बनाऊंगा। और गाइस आपके मन में और दिमाग में कोई क्वेश्चन और भी चल रहा होगा तो प्लीज़ मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद।